7 जुलाई को हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट विस्तार में कई चौंकाने वाले फैसले हुए। इस विस्तार में अश्विनी वैष्णव को भी शपथ दिलाई गई, जिसके बाद से सबकी नजरें अश्विनी पर ही थी कि उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। लेकिन जब अश्विनी को पीएम के सबसे करीबी मंत्रालय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो सबको ये जानने की इच्छा होने लगी कि आखिर अश्विनी वैभव हैं कौन, जिन्हें कैबिनेट में इतनी तवज्जो दी गई है और शानदार काम कर रहे पीयूष गोयल से रेल मंत्रालय छीन कर उन्हें थमा दिया गया है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि आखिर अश्विनी वैभव हैं कौन और उन्होंने अभी तक क्या क्या काम किए हैं। तो आपको बता दें कि अश्विनी उन नेताओं में शुमार हैं जो पहले आईएएस अधिकारी थे, उसके बाद वो उद्यमी बने, हालांकि इसी दौरान वो राजनीति में भी आए। इसके बाद वो सांसद बनकर राज्यसभा पहुंचे और अब केंद्रीय कैबिनेट तक पहुंच चुके हैं। हालांकि अब आपको इस रिपोर्ट में हम नए रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की जिंदगी और उनके सफरनामे से रूबरू करा रहे हैं। गौरतलब है कि 15 नए कैबिनेट मंत्रियों में छठवें नंबर पर शपथ लेने वाले अश्विनी वैभव अब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। करीब 2 साल पहले उन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में संसद में कदम रखा था और अब केंद्रीय कैबिनेट में अपनी पैठ कायम कर ली है। भाजपा के सूत्र बताते हैं कि तकनीकी में उस्ताद 50 साल के अश्विनी वैष्णव टीम मोदी के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में अपनी दक्षता की वजह से मौका मिला है। बताया जाता है कि कोरोना महामारी के दौर में कई नीतियों को बनाने में उनकी भी अहम भूमिका रही है। इसके अलावा अश्विनी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उप सचिव रह चुके हैं। उस दौरान उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को तैयार करने में विशेष योगदान दिया था। वहीं जब अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री कार्यालय छोड़ा तो अश्विनी वैष्णव ने उनके निजी सचिव की भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि अश्विनी राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। 1999 में सुपर साइक्लोन के दौरान वह अपने सटीक फैसलों की वजह से सुर्खियों में छा गए थे। दरअसल उस वक्त अश्विनी युवा आईएएस थे जिन्होंने अमरीकी नौसेना की वेबसाइट के माध्यम से तूफान पर नजर रखी थी और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को वक्त पर जानकारी मुहैया करा रहे थे। अश्विनी वैष्णव की शैक्षणिक योग्यता उनकी क्षमता की जानकारी खुद ब खुद बयां करती है। लेकिन वो जोधपुर विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके अलावा उन्होंने कानपुर आईआईटी से औद्योगिक प्रबंधन में एमटेक और वाहर्टन से वित्त और रणनीति में एमबीए किया है। वहीं अश्विनी वैष्णव ने सिविल सर्विसेज से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। इसके बाद उन्होंने दक्षिण एशिया में जीई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में बतौर प्रबंधक निदेशक अपनी सेवाएं दी। साथ ही सीमेंस कंपनी के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटजी विभाग के प्रमुख की भूमिका भी निभाई। वहीं 2017 के दौरान उन्होंने अन्य उद्यमियों के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया। इसके तहत ओडिशा में आयरन ऑक्साइड पेलेट बनाने वाले एक कंपनी का अधिग्रहण भी किया। इसके बाद अश्विनी राजनीति में आए और करीब 2 साल पहले राज्यसभा में उनकी एंट्री बेहद नाटकीय अंदाज में हुई थी, जिससे उनकी अहमियत का पता चलता है। दरअसल उस दौरान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उन्हें बीजू जनता दल का प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन बाद में भाजपा ने जून 2019 के दौरान उच्च सदन के उम्मीदवार के रूप में उनका समर्थन कर दिया। बता दें कि उस वक्त राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी अपने एक सदस्य को उच्च सदन भेज सकती थी। ऐसे में बीजद ने राज्यसभा की सीट अश्विनी वैभव के नाम कर दी। गौरतलब है कि अश्विनी ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के साथ भी काम किया और वो उनके पसंदीदा अफसर में एक थे। हालांकि अब अश्विनी पर केंद्रीय कैबिनेट में 2 मंत्रालयों की बड़ी जिम्मेदारी है। उम्मीद जताई जा रही है वो पहले जैसे काम करते रहे हैं, अब केंद्रीय कैबिनेट में भी वो अपनी भूमिका बहुत ही शानदार तरीके से निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नमन सत्य न्यूज़।